शिशु की पहली गुरु माँ होती है। भारत की परंपरा में माँ का पहला स्थान है, उसके बाद पिता, गुरु और फिर ईश्वर को स्थान दिया गया है। माँ को पहला स्थान क्यों प्राप्त है? क्योंकि माँ 9 माह तक शिशु को अपने गर्भ में रखती है, अनेक कष्टों व दर्द से गुजरती है और अपने शिशु के लिए हर चीज का त्याग करती है, यहाँ तक कि अपने रक्त का भी त्याग करती है। अतः माँ का सबसे पहले सम्मान किया जाना चाहिए। शिशु को रक्त, भोजन, मस्तिष्क और धन माँ से ही प्राप्त होता है। यह माँ की ही शक्ति है जो शिशु के अंदर प्रवाहित होती है। इसलिए माँ ईश्वर के समान है और उनका वैसा ही सम्मान भी करना चाहिए। प्रत्येक शिशु जो जन्म लेता है उसे पालन और पोषण की आवश्यकता होती ही है। पिता बच्चों के पोषण की जिम्मेदारी निभाते हैं और परिवार का निर्वाह करते हैं। इस प्रकार पिता शिशु के पोषण के लिए प्रयासरत रहता है। चूंकि पिता शिशु का पोषण करता है इसलिए कहा जाता है पितृदेवो भव, यानी पिता ईश्वर की तरह हैं, उनका वैसा ही सम्मान करो। ऐसा क्यों है कि स्त्री का सम्मान सबसे पहले किया जाता है? हर कोई कहता है सीता राम, कोई भी राम सीता नहीं कहता। इस प्रकार सीता का नाम पहले आता है, केवल उसके बाद ही राम है। सभी पार्वती परमेश्वर कहते हैं। क्या कोई परमेश्वर पार्वती कहता है? पार्वती के नाम का पहले उल्लेख किया जाता है। इसी प्रकार लक्ष्मी नारायण कहा जाता है, कोई नारायण लक्ष्मी नहीं कहता। स्त्री का नाम पहले आने का कारण क्या है? क्योंकि स्त्री प्रकृति का यथार्थ मूर्त स्वरूप है। केवल प्रकृति के माध्यम से और प्रकृति की उपासना से ही तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। यदि तुम प्रकृति की कृपा नहीं पा सकते तो तुम ईश्वर की कृपा कैसे पा सकोगे? महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए। धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी अपने सभी पुत्रों के मारे जाने के कारण बहुत दुखी थे। अतः कृष्ण उनको सांत्वना देने आए, किंतु वे बहुत दुखी और व्याकुल थे। गांधारी ने कृष्ण को कई तरह से कठोर वचन कहते हुए ताना मारने की कोशिश की। कृष्ण, क्या मेरे 100 पुत्रों में से तुम एक को भी नहीं बचा सकते थे? क्या तुम एक की भी रक्षा नहीं कर सकते थे? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? ऐसा क्यों हुआ कि तुमने उन पर दया नहीं दिखाई? तब कृष्ण ने कहा, गांधारी व्याकुल मत हो,
वे पुत्र जिन पर उनकी माता की भाग्यशाली कृपा दृष्टि नहीं पड़ी, तो फिर ये आशा कैसे की जा सकती है कि वे ईश्वर की दया दृष्टि पा सकेंगे? क्या तुमने जन्म से लेकर आज तक उन्हें कभी देखा? गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, उसने अपने बच्चों को कभी नहीं देखा था। जब वे माँ का अनुग्रह प्राप्त नहीं कर सके, तो फिर वे ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने की आशा कैसे कर सकते हैं? यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध में भी माँ के आशीर्वाद के महत्व को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया था। माँ सभी चीजों की नींव होती है। अम्मा सबसे पहला शब्द है जो शब्दों के दो भागों को बताता है, अ और माँ। इसलिए उसे मातृ देवी कहा जाता है, जैसा कि यह शब्द जो पहले शब्दांश से स्थापित होता है। भारतीय संस्कृति में चार महत्वपूर्ण कहावतें हैं। मातृदेवो भव यानी माँ ईश्वर के समान है, पितृदेवो भव यानी पिता ईश्वर के समान है, आचार्य देवो भव यानी गुरु ईश्वर के समान है, और अतिथि देवो भव यानी अतिथि ईश्वर के समान है। माँ शिशु को जन्म देती है, वह माँ ही है जो शिशु को पिता को दिखाती है। किसी अन्य को यह अधिकार नहीं है कि वह शिशु को पिता को दिखा सके, केवल माँ ही पिता को दिखाती है। केवल माँ को ही शिशु को पिता को दिखाने का अधिकार होता है। तब पिता गुरु को शिशु को दिखाता है, तब गुरु को उसे ईश्वर को दिखाना चाहिए। यह भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपरा है। हम इस प्राचीन संस्कृति परंपरा को भूल गए हैं और इस सांसारिक भौतिक अस्थाई और असत्य स्थूल संसार की भूल भुलैया में चले गए हैं और सत्य और न्याय परायण के मार्ग में दृढ़ नहीं रहते हैं। इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ भी स्थाई नहीं है, केवल सत्य और कीर्ति ही स्थाई है। हम इस कीर्ति को कैसे पाते हैं? केवल यदि हम माता से प्रेम करें, उनका आदर करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, तो हम यश पा सकते हैं। हमें माँ का अनादर नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हें किसी प्रकार की शंका है, उनके पास सुखद तरीके से जाओ और उसे स्पष्ट करो, उन्हें मनोहर ढंग से बताओ और अपनी चिंता समझाओ, किंतु उन्हें किसी भी समय या किसी भी तरह से दुख मत पहुंचाओ। कोई भी इस संसार में समृद्ध नहीं हो सकता यदि वो अपनी माँ को दुख पहुंचाता है। यदि तुम आज तुम्हारी माँ का अनादर करोगे, तो कल तुम्हारे बच्चे तुम्हारा अनादर करेंगे।
यदि तुम एक मित्र को धोखा देते हो तो तुम किसी अन्य के द्वारा धोखा खा सकते हो। अतः तुम्हें पहले माँ की कृपा और प्रेम प्राप्त करना होगा। समस्त लोग।